चलते अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन गांव के सैकड़ों किसान माइनर में धरना लगाकर बैठ गए। किसानों का यह कहना है कि इस धरने को तब तक रखा जाएगा तब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द नहीं जागी तो हरियाणा के हर जिले में ये आंदोलन किया जाएगा। माइनर में धरने पर बैठे किसानों का यह कहना है कि सरकार ने गिगोरानी माइनर के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट भेजा था, लेकिन इस माइनर की रीमॉडलिंग के बाद टेल तक पानी नहीं पहुंचा। किसानों का यह कहना है कि अधिकारियों ने रीमॉडलिंग में धांधली की है, जिसके बाद यहां पानी नहीं आया। कई बार अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जितने टेलों के गांव है, पूरे हरियाणा की बात करें चाहे सरसा जिला की बात करें, किसान जो है वो फसल उगा नहीं पा रहा है, बिजाई नहीं कर पा रहा है। तो उस सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ सरसा के किसानों ने गिगारानी माइनर के ऊपर जल सत्याग्रह शुरू किया है। आज सिर्फ इसमें पुरुष साथी शामिल है, कल महिलाएं और बच्चे भी यहां पर बैठेंगे। जब तक हमारी सभी नहरों के टेलों का पानी पूरा नहीं हो जाता, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक सभी नहरों की सफाई और मरम्मत ढंग से नहीं हो जाती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार जल्द ना चेती तो हरियाणा के सभी जिलों में ये आंदोलन शुरू किया जाए। गिगारानी माइनर के टेल के हिस्सेदार हैं हम, और हमारे टेल पे लगभग 2 साल से पानी नहीं है, उस वजह से हमारे खेतों में फसलें नहीं हुई। गेहूं और तूड़ी मोल लेके आए हैं, और जो सरसा जिला का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उससे कई बार मिले हैं हम किसान, जिस वजह से सारे किसान इस माइनर के परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी, और CM साहब इसमें खुद दखलअंदाजी करें और